हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम समास के बारे में। इस समास से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरह के उस समासिक शब्द को हमें पहचानना है, तो इन सब की चर्चा आज के लेक्चर वीडियो में करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे लिए हिंदी भाषा का लास्ट टॉपिक जो है हमारे लिए समास। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के पूछने से पहले हम कुछ चीज़ क्लियर कर लें कि आखिर समास क्या होता है। इंग्लिश में आप समास को कंपाउंड के नाम से पुकारते हैं, यानी कि समास क्या होता है, शब्द पदों का होता है संक्षेपीकरण। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनती है कि दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, या उसे ही क्या कहा जाता है, समासिक पद कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। जब इसी समस्त समासिक पद में दो या दो से अधिक शब्द पदों को संक्षेपीकृत किया जाता है तो संक्षेपण करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया समास कहलाती है। इसलिए दो परिभाषा बन जाती है कि शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या एक कहलाता है आपका परिभाषा कि दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं और यह प्रक्रिया समास कहलाती है। देखने वाली बात है कि संधि दो वर्ण अक्षरों के मध्य हो रही थी, पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर, दोनों वर्ण अक्षरों के मिलने से जो वर्ण में विकार रूपांतर या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा था उसे हम संधि की प्रक्रिया कह रहे थे। पर दो या उससे अधिक शब्द पद मिल जाते हैं और उनको संक्षेपित कर दिया जाता है तो उसे समास कहा जाता है। दूसरी बात, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो हम अतिथि लिखते हैं, दिग है अंबर जिसका तो दिगंबर लिखते हैं। उसी प्रकार अगर एग्जांपल के तौर पर कह सकता है कमल रूपी नयन हो जिसके हम कमल नयन कहते हैं, तो ऐसे पक्षों में जहां हम एक संक्षेपित रूप दे रहे हैं उसे ही समास कहा जाता है। दूसरी बात कि समास दो या उससे अधिक शब्द पदों के बीच होती है, लेकिन परिस्थिति यह हो जाती है कि समासिक शब्द का जो निर्माण है यह समासिक शब्द कभी तत्सम शब्दों के बीच होती है, कभी यह समासिक शब्द तद्भव शब्दों के बीच होती है, कभी यह समासिक शब्द देशज शब्दों के बीच होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो तत्सम तद्भव देशज शब्दों के बीच समासिक शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल कहता है गौ माता, ठीक है, इसी प्रकार कहता है ब्राह्मण देवता, ठीक है, उसी प्रकार अगर कह जाए वीणा पाणी कहता है, चक्रधर कहता है, ठीक है, चंद्रचूड़ कहता है, तो तत्सम शब्दों के बीच में समासिक शब्द का निर्माण होता है। अब तद्भव शब्द की बात की जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं दाल रोटी कह सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो दाल रोटी कहते हैं, घर द्वार कहते हैं, सेठ साहूकार कहते हैं, तो तद्भव शब्दों के बीच होती है। कभी कभी देशज शब्द, देशज शब्द के अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देशज शब्द की बात कर रहे हैं तो देशज शब्दों में हमें ये प्रभाव मिलता है जहाँ लोक बोली भाषाओं के शब्द के प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत जैसे कि हम कहते हैं गर्रा धूका कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गर्रा धूका तो छत्तीसगढ़ ही है, तो यहाँ पर आप देशज शब्दों का इस्तेमाल में बोली के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गर्रा धूका हिंदी में तो प्रयोग नहीं होगा, परंतु देशज शब्दों के इस्तेमाल के आधार पर इसका प्रभाव बदल जाता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि देशज शब्द के तद्भव और तत्सम शब्द के बीच में ही समास की प्रक्रिया होती है, तो देशज शब्दों में अगर हमारे द्वारा कहा जाता है जैसे कि कपड़ा लत्ता कहते हैं, ठीक है ना, घास फूस कहते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार हम एग्जांपल के तौर पर घास फूस कह रहे हैं, कपड़ा लत्ता कह रहे हैं, है ना, डाल पात कह रहे हैं, तो ये हमारे देशज शब्दों के बीच में भी समासिक शब्द का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक शब्द पद तो हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर एग्जांपल कहता है कमल नयन, ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्द पद कैसे पहचाएंगे, कमल रूपी नयन कहेंगे या कमल के समान नयन है जिसके कहेंगे। तो जहाँ सबसे ज़्यादा दो या उससे अधिक शब्द हैं जिससे एक संक्षिप्त रूप बना है कमल नयन, जब हम इसको समासिक पद रचना को संक्षेपीकरण से विस्तृत रूप देते हैं तो समास की शब्दों को समस्त पदों को पृथक करने की एक प्रक्रिया होती है। तो पृथक जब करते हैं समस्त
समस्त पद को तो उसे समास विग्रह के नाम से पुकारा जाता है। और जब समास विग्रह किया जाता है तो पहले प्रयोग होने वाले शब्द पद को पूर्व पद कहते हैं या हम उसे प्रथम शब्द पद कहते हैं, ठीक है, और बाद में प्रयोग होने वाले शब्द पद को हम उत्तर पद कहते हैं या उसे ही हमारे द्वारा जो है वो पर पद के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो हर परिस्थिति में समास में एक समस्त पद को विग्रह करते समय केवल दो प्रकार के पद बनते हैं, पूर्व या प्रथम शब्द पद और दूसरा होता है द्वितीय या उत्तर पद या पर पद होता है। जब समास विग्रह किया जाता है तो पहचानने के कुछ तरीके हैं, कैसे हैं वो तरीके, तो जहाँ आपके उस समासिक पद रचना को समझाने के लिए और पहचानने के लिए अगर हम तरीकों की बात करते हैं तो समासिक पद रचना में कुछ ऐसे होते हैं, जब विग्रह किया जाता है समासिक पद रचना को विग्रह किया जाता है तो किसी समासिक पद रचना में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, किसी समासिक पद रचना में द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है, और कभी कभी होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक समास ऐसा है जिसमें तीनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि समासिक पद रचना को पहचानेंगे कैसे, तो जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद गौण होता है, उसे प्रथम पद प्रधान समासिक शब्द कहेंगे, जिसमें आपके अव्ययी भाव समास आते हैं, जो अव्यय की आपके शब्द के प्रभाव से पहला शब्द पद अव्यय प्रधान होता है। इसी में आपका द्विगु समास आ जाता है जहाँ पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान होता है, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी इसके अंतर्गत देखा जाए तो कर्मधारय भी आ जाते हैं जहाँ पहला शब्द गुणवाचक विशेषण वाला होता है, लेकिन जहाँ पर द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पर हमारे लिए कर्मधारय समास आते हैं। कभी कभी हमारे लिए कर्मधारय समास प्रथम पद की भी प्रधानता है, कभी कभी द्वितीय पद की प्रधानता है, बोले तो क्यों, विशेषण पूर्व पद, विशेषण उभय पद, विशेषण उत्तर पद, इस तरह कह के हमारे लिए उपमेय पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, उपमान उभय पद, ऐसे करके हमारे लिए कर्मधारय में कभी प्रथम तो कभी द्वितीय आवश्यकता के अनुसार प्रधानता रखते हैं। इसी में आता है हमारे लिए आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, किसमें, द्वितीय पद प्रधान वाले में तत्पुरुष समास, जहाँ दूसरे पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद गौण होता है। तीसरा है दोनों पदों की प्रधानता, ये हमारे लिए द्वंद्व समास में देखने को मिलता है, और जहां पर सभी खूबी होकर किसी अन्य की प्रधानता बताता है तो बहुव्रीही समास हो जाता है। इस तरह समास के कितने भेद हैं कहते हैं तो समास के लिए एक सूत्र है अब तक दादा, यानी कि अ से बना हमारे लिए अव्ययी भाव समास, ठीक है, दूसरा बना हमारे लिए आपका कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास के बाद में हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर है हमारा पहला अव्ययी भाव समास, ठीक, तो अव्ययी भाव समास पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारे लिए आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, तीसरा हो गया हमारे लिए कर्म धारय समास, ठीक है, चौथा हो गया हमारे लिए आपका द्विगु समास, और पांचवा हो गया द्वंद्व समास, और छठवा बन जाता है हमारे लिए बहुव्रीही समास। और इसी के अंतर्गत देखिएगा तो जो तत्पुरुष समास है इसके छह भेद होते हैं और दो इसके उपभेद देखने को मिलते हैं। कर्मधारय में तीन प्रभाव देखने को मिलते हैं, आपके गुणवाचक शब्द में आपका विशेषण विशेष्य वाला, उपमेय उपमान वाला, और आपके रूपक वाला पदार्थ देखने को, प्रभाव देखने को मिलता है। द्विगु के बाद द्वंद्व की बात करते हैं तो द्वंद्व के भी तीन भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, और बहुव्रीही के छह भेद होते हैं, ठीक है, बहुव्रीही के छह भेद होते हैं और दो उनके उपभेद देखने को मिलता है, और इन्हीं सभी को हम अब जानेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे लिए आता है आपका समास में पहला प्रश्न, समास में शब्द पदों का होता है तो समास में शब्द पदों का क्या होता है, क्या संयुक्ताक्षर होता है, क्या विन्यास होता है, कि संक्षेपीकरण होता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो मैंने अभी बताया कि दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो उसे समस्त या सामासिक पद कहा जाता है, और वह प्रक्रिया जहां शब्द पदों को संक्षेपीकरण किया जाता है उसे ही समास की प्रक्रिया कही जाती है। तो सामासिक प्रयोग में शब्द पदों का संक्षेपीकरण होता है, मतलब कि आंसर नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहती है, लड़की चौलड़ी पहने हुए है रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, क्या बहुव्रीही है, क्या द्विगु है, द्वंद्व है कि अव्ययी भाव समास है। चलिए पहले देखते हैं बहुव्रीही समास को। जिस समास में प्रथम और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताए, यानी कि जिस सामासिक पद रचना में प्रथम और द्वितीय शब्द पद गौण हो बल्कि कोई अन्य पद की प्रधानता हो तो वहां पर बहुव्रीही समास होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स है, मतलब आपके जो योगरूढ़ शब्द है, वो इसी की श्रेणी में आता है कि दोनों शब्द पदों में हर एक प्रकार खूबी को होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहा है। इस बहुव्रीही के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि बहुव्रीही में संख्या की भी प्रधानता है, कारक रचना की भी प्रधानता है, उसमें उपसर्ग की भी प्रधानता है, उसमें एक ऐसा प्रयोग है जहां पर हमारे लिए गुण विशेष की भी प्रधानता है, दोनों पदों की प्रधानता है। हर प्रकार की खूबी होकर, चाहे वो संख्या हो, आपकी गुण हो, अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो, हर खूबी होकर अगर किसी अन्य पद की पहचान बता देता है, तृतीय पद की प्रधानता है, तो बहुव्रीही समास होता है। ठीक है, द्विगु क्या होता है, जिस समास का प्रथम शब्द पद संख्यावाची प्रधान होता है और संख्यावाची प्रधान होकर किसी समूह को या किसी समाहार को संबोधित करता है। ठीक है, तो अगर विग्रह करता है और कहता है चौलड़ी देखा जाए तो चार लड़ियों की माला, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं पंचवटी, उसी प्रकार हम कहते हैं आपका जो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि चौराहा कहते हैं, चौमास कहते हैं, उसी प्रकार कह सकते हैं आपके त्रिपुर कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो सप्त सिंधु कहते हैं, सतकोसा कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ पहला शब्द न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स होकर अगर वो किसी ग्रुप को बताते हैं कि पाँच वटों का समाहार, तीन रंगों का समाहार, इसी प्रकार पाँच रंगों का समाहार, नौ रातों का समाहार, नौ रंगों का समाहार कह सकता है, सात ऋषियों का समूह कह सकता है, सात सिंधुओं का समाहार कह सकता है, वो सब हमारे लिए द्विगु की श्रेणी में आते हैं। तो चौलड़ी हमारे लिए द्विगु समास की श्रेणी में आएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, अगर वो संख्यावाची है और समूह होकर अगर किसी तृतीय पद को पहचान बता दे, संख्यावाची है न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स क्वालिटी होकर अगर किसी थर्ड पर्सनैलिटी यानी कि बहुव्रीही की खासियत है कि कोई देवी देवता होंगे, कोई अद्वितीय तत्व होगा, एक ऐसा पक्ष होगा जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, या तो प्राकृतिक तत्व होंगे या किसी को दिया गया उपाधि होगा, तो ऐसी सारी खूबियाँ बहुव्रीही में होती है। तो न्यूमेरिकल्स क्वालिटी होकर अगर हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि दशानन कह दिया, जैसे कि पंचमुख कह दिया, ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए आपके जैसे त्रिनेत्रधारी कह देता है, तो सब संख्यावाची होकर किसी समूह का बोध करा के किसी अन्य की पहचान बता देते हैं। जैसे कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए अगर आपका कहता है जैसे छत्तीसगढ़ कहता है, इसी प्रकार अगर कहता है त्रिवेणी संगम कहता है, इसी प्रकार कहता है हमारे लिए आपका त्रिफला चूर्ण कहता है, तो ये सब हमारे लिए बहुव्रीही में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दशानन कहता है, एकानन कहता है, पंजाब कहता है, छत्तीसगढ़ कहता है, एक रूप कहता है, सहस्त्रबाहु कहता है, तो सब संख्यावाची होकर भी किसी अन्य की पहचान देकर रूढ़ होकर हमारे लिए बन जाते हैं बहुव्रीही। लेकिन साधारण से जहां समूह का बोध हो तब तक वो द्विगु की श्रेणी में आता है। अगला है द्वंद्व। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और द्वंद्व की खासियत होती है कि एक हाइफन से वो जुड़ा होता है, जब द्वंद्व समास को विग्रह किया जाता है तो उस हाइफन जिसे हम संयोजक चिन्ह कहते हैं उसके बदले में एक संयोजक शब्द का इस्तेमाल होता है, और एवं तथा ऐसे शब्द के प्रयोग वहां पर किए जाते हैं। इस द्वंद्व समास की खासियत होती है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत हम तीन प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अपोजिट वर्ड लेते हैं, जैसे कि देश विदेश, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, तो अपोजिट वर्ड्स का पेयर है। कभी कभी हम क्या करते हैं अपोजिट जेंडर, जैसे राजा रानी, माता पिता, इसी प्रकार भाई बहन, भैया भाभी, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है, ऐसे शब्द का एग्जाम्पल हम अपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग लेते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल टाइम पेयर में आने वाला शब्द, जैसे हाथ पैर, नाक कान, घर द्वार, सेठ साहूकार, घास फूस, कपड़ा लत्ता, ठीक है ना, चोर डाकू, है ना, इन इसका भी प्रयोग जो है वो द्वंद्व समास की श्रेणी में किया जाता है। इसके तीन रूप होते हैं, समाहार, वैकल्पिक और एक होता है हमारे लिए आपका इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है अव्ययी भाव समास। इसे हम एडवर्बियल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एडवर्बियल कंपाउंड, और इसे हम न्यूमेरिकल कंपाउंड कहते हैं, इसे कपलेटिव कंपाउंड कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास को एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड के नाम से पुकारा जाता है। जो आपका तत्पुरुष समास होता है उस तत्पुरुष समास को डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, और जो कर्मधारय समास होता है उसे एट्रिब्यूटिव कंपाउंड के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो लड़की चौलड़ी पहने हुए है कहते हैं, तो वहां होगा हमारे लिए द्विगु समास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, क्या वो तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो जिस समासिक पद रचना में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो धनुर्बाण कह रहा है तो धनुष और बाण कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष किसे कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद की प्रधानता होती है, जहाँ प्रथम शब्द पद के अर्थ को द्वितीय पद के द्वारा सार्थक किया जाता है, यानी कि जिस समास का द्वितीय पद अपने प्रथम शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित करता है, तो वहाँ पर होते हैं हमारे लिए तत्पुरुष समास। जहां पर समासिक पद रचना को विग्रह करते समय यदि हमें कारक रचनाओं की प्राप्त होती है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और इस तरह देखा जाए संबंध, तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कह के छह प्रकार के तत्पुरुष समास हो जाते हैं। अगर विभक्ति के अनुसार देखा जाए तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास पाए जाते हैं। इसके अलावा दो उपभेद हैं, नन्य समास और अलुक समास करके। अगर इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानना है तो एक लिंक दे रहा होगा, उस लिंक पर आप जाएंगे तो समास से रिलेटेड लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगे, जहां पर इस समास के उदाहरणों, विशेषताओं और लक्षणों के साथ में बहुत अच्छे से आप उसे वहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अगला है हमारे लिए कर्मधारय। कर्मधारय जिसे हम एट्रिब्यूटिव कंपाउंड के नाम से पुकारते हैं, और आपका तत्पुरुष जिसे हम डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे लिए कर्मधारय क्या होता है, जिस समास में कभी प्रथम तो कभी द्वितीय शब्द पद गुणवाचक विशेषण वाले होते हैं, या जिस समास का प्रथम शब्द पद दूसरे शब्द पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो वहां पर होता है हमारे लिए कर्मधारय समास। ठीक है, इस कर्मधारय समास में तीन प्रकार के एग्जाम्पल लिए जाते हैं, एक तो विशेषण विशेष्य वाला, एक उपमेय उपमान वाला, और इसी प्रकार लिया जाता है हमारे लिए आपका रूपक वाला। तो तत्पुरुष के अंतर्गत हम क्या पाते हैं, जैसे गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार विद्या के लिए आलय कहकर संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार कहता है तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित कहकर कर्ण तत्पुरुष हो गया। अगर कहता है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट कहकर अपादान तत्पुरुष हो गया। इसी तरह कह सकते राजाज्ञा, राजा की आज्ञा कहकर संबंध तत्पुरुष, और जलमग्न कहता है, जल में मग्न कहता है, तो हमारे लिए वो अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। वैसे ही विशेषण विशेष्य में अगर कहता है नील कमल कहता है, नील गाय कहता है, तो ये हमारे लिए विशेषण विशेष्य हुआ। अगर चंद्रमुख कहता है तब हमारे लिए आपका उपमेय उपमान हुआ, और अगर कहता है कमल रूपी आपका कह सकता है हाथ, यानी कि कर कमल कहता है, तो रूपक वाले एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता मतलब धनुष और बाण कहके, तुम्हारे लिए द्वंद्व समास की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है बारह सिंघा, पंजाब, छत्तीसगढ़ या चौमास। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब तक वो संख्या है और समूह है तब तक वो हमारे लिए द्विगु समास है, लेकिन किसी को संबोधित करने लग जाए, मतलब सभी पशुओं में से बारह सिंघा एक ऐसा जानवर है जिसकी बारह सिंह होती हैं। ठीक है, पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पांच नदियों का संगम होता है, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है जहाँ 36 प्रकार के गढ़ की प्राप्ति है, यानी कि समूह होकर की किसी अन्य की पहचान बता रहा है, लेकिन चौमास कहता है चार महीने का समूह या चार महीने का समाहार, तो ये हमारे लिए आपका चौमास जो है वो द्विगु समास का उदाहरण कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
आमरण शब्द में समास है, क्या ये नन्य समास है, क्या ये अलुक समास है, अव्ययी भाव समास है या प्रादी समास है? ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय प्रधान हो। अव्यय पद की प्रधानता है तो उसका प्रथम शब्द पद क्या होगा, अव्यय का बना होगा, या अव्यय शब्द की या तो क्या होगी, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होगी। अव्यय शब्द की या संज्ञा शब्द की आपकी पुनरावृत्ति होगी, या तो उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द बनाएगा, तो वहां पर होते हैं हमारे लिए अव्ययी भाव समास, जिसकी एक पहचान है। ठीक है, अव्ययी भाव समास की पहचान है कि पहला शब्द अव्यय प्रधान होगा, यानी कि हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अव्यय प्रधान तो यथाशक्ति यथाभक्ति, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति है, जैसे कि मन मन द्वार द्वार घर घर कह रहा है, हाथों हाथ रातों रात बातों बातों कह रहा है। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति, घर घर कह रहा है, द्वार द्वार कह रहा है, पल पल क्षण क्षण कह रहा है। अब उपसर्ग से निर्मित एक अव्यय शब्द जैसे कि प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण कहता है, तो ये अव्ययी भाव समास की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो नन्य समास कहता है तो यहां पर आपके नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित शब्द होगा। ठीक है, नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द होंगे, जहां पर अगर देखे जाए तो किसी अभाव या कमी को बताया जाएगा, तब वो हमारे लिए नन्य समास की श्रेणी में आते हैं। और नन्य समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत उदाहरण में स्थान जो है वो दिया गया है, इसलिए अगर वो अधर्म कहता है, उसी प्रकार अनजान कहता है, इसी प्रकार अनैतिक कहता है, या हमारे लिए गैर जिम्मेदार कहता है, बेकाबू कहता है, ठीक है, तो ये सारे शब्द जो नेगेटिव प्रीफिक्स से रिलेटेड एक नेगेटिव वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, तो नन्य समास कहता है और उसे हम तत्पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। जहाँ समासिक पद रचना को विग्रह करते समय कारक रचना को लुप्त नहीं किया जा सकता, कारक रचना को लुप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे समास कारक रचनाओं की प्राप्ति वाले तत्पुरुष होते हैं, लेकिन उसे लुप्त ना किया जा सके तो उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, खेशय खे में सोने वाला, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं आपका नभचर नभ में चरने वाला, तब वो हमारे लिए अलुक समास हो जाता है। जिसको भी नन्य और अलुक को दोनों को तत्पुरुष में उपभेद माना गया है, तो छह प्रकार के तत्पुरुष जहां कारक रचनाओं की प्राप्ति से कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण को संबोधित करने वाली कारक रचना मिली, तो उनके अनुसार जैसे कि राजाज्ञा कहा तो राजा की आज्ञा कह रहा है, तब वो हमारे लिए आपके षष्ठी तत्पुरुष है और संबंध के तौर पर संबंध तत्पुरुष होगा। वैसे ही उन छह के साथ में इन दो को उपभेद की श्रेणी में तत्पुरुष समास में यानी कि डिटरमिनेटिव कंपाउंड में स्थान जो है वो दिया गया है। अब आता है प्रादी समास। प्रादी का मतलब होता है उपसर्ग। अब देखिए अव्ययी भाव समास में भी एक उपसर्ग है। अब उपसर्ग से निर्मित एक शब्द के जैसे प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण, वैसे ही एक अव्यय शब्द बना रहा है, लेकिन कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जैसे कि वी है, सु है, प्रति है, ठीक है, इसी प्रकार नी है, अचानक कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिसका प्रयोग शब्द में जुड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ की प्रधानता बता देता है, तो उपसर्ग से निर्मित न ये नकारात्मक शब्द बना रहे हैं, न कि ये अविकारी शब्द बना रहे हैं, बल्कि किसी तृतीय पद की पहचान बता रहे हैं। ज्ञान में वी लगा दे तो विज्ञान, गुण में सु लगा दे तो सगुण हो गया, इसी प्रकार अगर ध्वनि में प्रति लगा दे तो प्रतिध्वनि हो गया, अगर हम देखा जाए तो मग्न में नी लगा दे तो निमग्न हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द हमारे लिए प्रादी समास की श्रेणी में आते हैं। तो आमरण क्या कह रहा है, मरते दम तक, आमरण का मतलब है मरते दम तक। तो एक देखा जाए तो हम आमरण जो आपके संबंध बोधक अविकारी शब्द का निर्माण कर रहा है, तो पहचान क्या है कि अव्ययी भाव समास में जो एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे वो या तो क्रिया विशेषण के होंगे या तो संबंध बोधक के शब्द होंगे। तो मरते दम तक कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। द्वंद्व के उपभेद नहीं है, समाहार वैकल्पिक इतरेतर या उपमेय उपमान। तो द्वंद्व समास को कपलेटिव कंपाउंड कहते हैं, जिसमें क्या होती है बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और खासियत है कि दो शब्द पदों के बीच में एक हाइफन लगा होता है। पर ध्यान रखिएगा कि जब हम अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं तो अगर वो घर घर की पुनरावृत्ति कर रहा है तो वहां पर हाइफन होगा,
इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे लिए एक संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। इसी प्रकार अगर कहते हैं जैसे कि हमारे लिए आपके एग्जाम्पल में पल पल कहता है तो एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति है और एक हमारे संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति, उसमें भी तो हाइफन लगा है। फिर द्वंद्व समास में अगर हाइफन है जैसे कि हम रात दिन कहते हैं तो दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं कि हाइफन अगर पहचान है द्वंद्व की तो अव्ययी भाव में भी तो हाइफन है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ एक संज्ञा शब्द की और एक अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। बेटा इसको विग्रह करेंगे तो हम लगाएंगे आपका शब्द ही घर द्वार ही द्वार रात ही रात बात ही बात पल ही पल दिन ही दिन क्षण ही क्षण। लेकिन अब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसके बदले में एक संयोजक शब्द को जोड़ेंगे जैसे कि और एवं तथा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखा जाए तो हम या अथवा का प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, माता और पिता, सुख तथा दुख, देश एवं विदेश, पाप या पुण्य कहते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में द्वंद्व के तीन उपभेद हो जाते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास के हाइफन को लेकर कन्फ्यूजन खत्म हुआ कि हर शब्द के बीच में अगर हाइफन लग रहा है तो कभी कभी होता है कि तत्पुरुष समास में भी कुछ उदाहरण आ जाते हैं जैसे कि अगर कहता है शब्द सागर कहता है, ठीक है। अब विग्रह किया जाए तो शब्द का सागर, उसी प्रकार भाषा विज्ञान कहते हैं तो भाषा का विज्ञान। चूंकि वहां पर एक हाइफन के बदले हम वहां पर एक संयोजक शब्द नहीं लगा रहे, एक निपात शब्द नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वहां पर एक कारक विभक्ति जोड़ रहे हैं, कब शब्द का सागर भाषा का विज्ञान। तो चूंकि कारक रचना मिल रही है तो कुछ उदाहरण एक दो एग्जाम्पल जो होते हैं आपके संयोजक चिन्ह वाले तत्पुरुष में चले जाते हैं। अब द्विगु आपके जो कर्मधारय है उसमें भी खूबी पाई जाती है। अगर वो कहता है जैसे कि चार परत कपड़ा, ठीक है ना, चार परत कपड़ा कहता है, दो मंजिला इमारत कहता है, तो पहला शब्द संख्यावाची है तो होना चाहिए द्विगु। पहला शब्द अगर संख्यावाची है तो होना चाहिए द्विगु, लेकिन देखने वाली बात है कि कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कितने परत का है, चार परत का है, कितने मंजिल का है, तीन मंजिल का, दो मंजिल का है। तो ऐसी सिचुएशन में संख्यावाची होकर अगर दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तब वो कर्मधारय है, लेकिन पहला शब्द संख्यावाची है और दूसरे पद के साथ में किसी समूह को बता रहा है तो द्विगु है। संख्यावाची है, समूह है, गुण है, लेकिन किसी अन्य की पहचान बताए तो बहुव्रीहि में चला जाता है। मैं बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन दे देते हैं और आप गलत जानकारी होने से, क्योंकि दिमाग में फिक्स है कि दो शब्द के बीच में बेटा हाइफन आया मतलब द्वंद्व समास होगा, परंतु देखिए यहां पर मैंने चार जगहों पर उन्हें बताने का प्रयास किया है कि जहां पर दो अपोजिट जेंडर हो, दो अपोजिट वर्ड्स हो या ऑल टाइम पेयर में आने वाले शब्द होंगे जिसका विग्रह करते समय और एवं तथा या अथवा जैसे संयोजक शब्द को लगाएंगे तब तक वह द्वंद्व है। जहां कारक रचना मिल जाए तो वहां पर वो आपके तत्पुरुष में चला जाता है, जहां संख्यावाची होकर अगर गुण विशेष बता रहा है तो आपके कर्मधारय के उदाहरण हो जाते हैं, लेकिन अगर एक निपात शब्द घर ही घर कहता है तो अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो यहां पर पूछा है कि द्वंद्व का उपभेद नहीं है तो सबसे पहले जानेंगे कि द्वंद्व के कितने भेद होते। सबसे पहले कि समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं, परंतु उपमेय उपमान का प्रयोग हम कर्मधारय समास में करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपके आपके द्वंद्व समास का भेद नहीं है। अब इसी द्वंद्व में समाहार क्या है, जब हम दो सार्थक शब्द का एक युग्म बनाते हैं, जहां हम दो सार्थक शब्द का युग्म बनाते हैं जैसे कि दाल भात है ना, उसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर हलवा पूरी, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम बनाते हैं आपके घर द्वार, सेठ साहूकार, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम दो सार्थक शब्द का जोड़ा बना रहे हैं और उसको विग्रह करते समय और एवं तथा को लगा रहे हैं परंतु उस किसी समूह को बता रहा है, जैसे सेठ और साहूकार समस्त व्यापारी हो गया, दाल भात कह रहे तो संपूर्ण भोजन हो गया, घर द्वार कह रहे तो संपूर्ण घर हो गया। तो जहाँ पर समूह को बताने लग जाता है
एक संयोजक शब्द जो विग्रह करते समय दोनों पदों को जोड़ रहा है और दोनों पद मिलकर किसी समूह को बताते हैं, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। और इसके अंतर्गत हम सब द्वंद्व समास में कभी दोनों सार्थक शब्द को, कभी एक सार्थक एक निरर्थक को भी, और हमेशा जोड़े में आने वाले शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। इतरेतर क्या होता है, जिस समासिक पद रचना को विग्रह करते समय हम इसमें और एवं तथा का प्रयोग करते हैं तो वो इतरेतर, जहाँ दोनों पदों का इक्वल बैलेंस होता है, माता और पिता, देश एवं विदेश, राजा और रानी अगर कहता है, ठीक है ना, ऊंचा और नीचा कहता है, तब हमारे लिए इतरेतर होता है। लेकिन जहां अपोजिट वर्ड है, जैसे कि पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है, तो जहां हम एक शब्द को पिक आउट कर लेते हैं, दूसरे शब्द को वहां से नेग्लेक्ट करने लगते हैं, यानी कि एक शब्द को स्वीकार करके दूसरे को छोड़ दिया, तो विकल्प है, इसलिए वो वैकल्पिक द्वंद्व समास कहलाता है। अब दूसरी बात, हर द्वंद्व समास में हमारे लिए केवल दो शब्द नहीं होते बेटा, द्वंद्व समास जो होता है वो तीन शब्द का भी होता है, जैसे तन मन धन, है ना, फल फूल पेड़, कभी चार शब्द का होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जड़ मूल पत्ता फल, इस प्रकार हमारे लिए देखने को मिलते हैं। और हर द्वंद्व समास में एक हमारे लिए हाइफन नहीं होता, अगर वो संधि की प्रक्रिया भी आवश्यकता के अनुसार करके, अगर सत्या सत्य कहता है, धर्म धर्म कहता है, पाप पुण्य कहता है, तो हाइफन नहीं है, लेकिन टू अपोजिट वर्ड्स है तो भी द्वंद्व समास की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लेन देन, मारामारी, महापुरुष या दिनानुदिन। अब देखिए, लेन देन कह रहा है तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग विथ हाइफन है, मतलब कि दो अलग अलग शब्द जो है वो जुड़े हुए हैं, तो लेना देना कह के टू अपोजिट वर्ड्स हुए, तो लेना और देना हुआ। महापुरुष कह रहा है तो महान है जो पुरुष, पहले शब्द के द्वारा दूसरे पद की क्या बताई जा रही है, विशेषता, तो ये हमारे लिए कर्मधारय समास हो गया, और लेन देन कहकर हमारे लिए द्वंद्व हो गया। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि इसमें भी हाइफन है और इसमें भी हाइफन है, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जहां पर एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि अगर कहता है पल पल कहता है, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, क्षण क्षण कहता है, दिन दिन कहता है, इसी प्रकार संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति, जैसे कि घर घर कह रहा है, इसमें भी हाइफन है। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं राजा रानी, इसमें भी हाइफन है। इसी प्रकार अगर इसी एग्जांपल को ले लिया जाए, जैसे कि लेन देन कह रहा है, इसमें भी हाइफन है। और अब अगर कह देता है, जैसे कि मारा मारी कहता है, इसी प्रकार पटका पटकी कहता है, ठीक है, इसी रूप में अगर कहता है, जैसे कि चूमा चूमी कहता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ तीन प्रकार के एग्जांपल में इक्वल पर्सनैलिटी, पल पल, घर घर, मारा मारी, पटका पटकी, चूमा चूमी में डिफर वन है हमारे लिए आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जहाँ पर टू अपोजिट वर्ड्स, टू अपोजिट जेंडर और ऑल टाइम पेयर में आने वाले वर्ड्स होंगे, वो हमारे लिए द्वंद्व समास हो जाते हैं। और इसके उदाहरण में विभक्त करते समय और एवं तथा या अथवा जैसे संयोजक शब्द होंगे। जब हम एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं पल पल, ये हमारे लिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, क्योंकि अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति और आपके संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति है, इसका विग्रह करते समय ही का प्रयोग करते हैं। अब सिमिलैरिटीज नजर आ रही है कि इक्वल वर्ड्स मारा मारी, पटका पटकी और चूमा चूमी में देखने को मिल रहा है, परंतु एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होकर अगर वो एक अविकारी शब्द का प्रभाव बता रहा है, तब तक तो हमारे लिए एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन मारा मारी कहकर आपसी विवाद लड़ाई झगड़ा को इंडिकेट कर रहा है, पटका पटकी कहकर लड़ाई झगड़ा विवाद को इंडिकेट कर रहा है, और चूमा चूमी कहकर परस्पर प्रेम को बता रहा है। तो गिव एंड टेक का जब रिलेशन होता है, जहां पर क्रियात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, तो बहुव्रीहि समास में ऐसे एग्जाम्पल शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स को बहुव्रीहि के भेद में से व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखने वाली बात है कि दिनानुदिन कह रहा है, तो दिन अनुदिन मतलब दिन ही दिन कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति है, इससे यहाँ पर हमारे लिए अव्ययी भाव समास यानी कि एडवर्बियल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है सत्यासत्य, मारा मारी,
धीरे धीरे बी और सी दोनों। अब दिमाग का कंफ्यूजन मैंने अभी क्लियर किया था कि हाइफन को लेकर बचपन से फिक्स है, माइंड सेटअप है हमारा कि हाइफन है मतलब वो हमारे लिए द्वंद होगा, जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे कि देखिए मारा मारी कह रहा है, तो मारा मारी कह रहा है तो परस्पर एक दूसरे को मारना, परस्पर मारना हो गया। इसी प्रकार धीरे धीरे कह रहा है तो एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, क्योंकि हमारे लिए अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति की धीरे ही धीरे। इसलिए सत्य सत्य, तो मैंने फिर बताया था कि कभी भी जरूरत की महसूस होता है तो वहां पर एक हाइफन को हटा दिया जाता है, संधि की प्रक्रिया की जाती है। तो पूछा कि द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुव्रीही है और सी भी हमारा अव्ययी भाव है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? सात सिंधुओं का है जो समूह, सात है सिंधु, सात सिंधुओं वाला या सात सिंधुओं का समूह। तो द्विगु समास की खासियत होती है कि पहला शब्द होता है न्यूमेरिकल, मतलब कि पहला शब्द संख्यावाची प्रधान होता है और संख्यावाची होकर ये क्या करता है, किसी समूह को या किसी समाहार को संबोधित करता है। तो जिस समास का पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान हो वहां द्विगु समास होते हैं। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो द्वितीय पद के साथ में मिलकर किसी समूह या समाहार को बताएगा, तो सात सिंधुओं का समूह कहेगा, तो सप्त सिंधु का समास विग्रह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई रेखांकित शब्द में कौन सी समास है? सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, समासिक पद में कौन सा समास है, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन कहता है द्वंद्व समास है कि बहुव्रीही है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधार है। फिर से कन्फ्यूजन आपके हाइफन को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक संज्ञा शब्द, एक आपके अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि रातों रात पेड़ की कटाई हो गई, मतलब रात ही रात में सारे पेड़ों को काट दिया गया, तो यहाँ एडवर्बियल कंपाउंड होगा यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर वो रात दिन कहता तो रात और दिन कहकर टू अपोजिट वर्ड्स होकर द्वंद्व समास हो जाते। और बहुव्रीही क्यों नहीं है, क्योंकि किसी अन्य पद की प्रधान नहीं है यहां पर। कर्मधारय क्यों नहीं है, क्योंकि पहले शब्द में किसी प्रकार की विशेषता या तुलना या एक रूप वाला गुण विशेष देखने को नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, क्या चार होते हैं, छह होते हैं, आठ होते हैं या पांच होते हैं? सबसे पहली बात, जिस समास का प्रथम शब्द पद गौण यानी कि सेकेंडरी होगा, द्वितीय शब्द पद फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा मतलब कि प्रधान होगा, तो वहां होता है तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद रचना में पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए वहां तत्पुरुष समास होते हैं। और तत्पुरुष समास की प्रधानता और पहचान किससे होती है, कारक चिन्ह से। अब इस कारक चिन्ह का प्रयोग अगर देखा जाए तो हमारे पास है कर्ता, फिर है कर्म, फिर है हमारे लिए करण, फिर आता है संप्रदान, ठीक है, फिर आ जाता है अपादान, अपादान के बाद में आ जाता है हमारा संबंध, और संबंध के बाद में आ जाता है अधिकरण, और अधिकरण के बाद में आ जाता है हमारे लिए संबोधन। ये है हमारे लिए कारक विभक्तियाँ। अकॉर्डिंग टू विभक्ति अगर हम नाम देना चाहें तो कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी, और अष्टमी का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि संबोधन को हम संबोधन के नाम से पुकारते हैं। जब समासिक पद रचना की बात की जाए तो कर्ता जो सब्जेक्टिव पर्सन है, कर्ता जो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव पर्सन है, इसलिए इसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं या सब्जेक्टिव केस, या सब्जेक्टिव केस के साथ साथ इसे हम नॉमिनेटिव केस के नाम से पुकारते हैं। जहाँ पर कारक रचना क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कारक कहते हैं, और जिस चिन्हों से उसे संबोधित किया जाता है उन चिन्हों को कारक चिन्ह या कारक विभक्ति के नाम से पुकारा जाता है। तो चूंकि कर्ता सब्जेक्टिव है, कर्म है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, करण है हमारा इंस्ट्रूमेंटिव केस, संप्रदान है हमारा डेटिव केस, अपादान है हमारा एबिलिटिव केस,
आपका संबंध है जेनेटिव या पजेसिव केस और अधिकरण को लोकेटिव केस और हमारे लिए संबोधन को वोकेटिव केस के नाम से पुकारा जाता है। चूंकि समासिक पद रचना में हम कर्ता का प्रयोग नहीं करते, इसलिए फर्स्ट पर्सन कर्ता जो है हमारा छूट जाता है। इसी कर्ता को वोकेशनली हम किसी संबोधन से बुलाते हैं, इसलिए यह भी छूट जाता है। लेकिन जब किसी समासिक पद रचना को हम विग्रह कर रहे हैं कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की और अधिकरण में और पर जैसी कारक रचना जब मिलने लगती है तो अकॉर्डिंग देयर नेम्स अगर हम कहें तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान संबंध अधिकरण तत्पुरुष समास होंगे और विभक्ति के अनुसार द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से पुकारा जाएगा। यानी कि हम इसे ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहेंगे, इसे इक्विपमेंटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहेंगे, इसे हम डेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहेंगे, इसे एबलेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहेंगे, इसे जेनेटिव या पजेसिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहेंगे और इसे लोकेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड के नाम से पुकारा जाएगा। और इस तरह अगर हम कहते गगन चुंबी तो गगन को चुमना अगर कहता तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तुलसी रचित या सुर रचित कहते तो तुलसी के द्वारा रचित, हस्तलिखित हाथ से लिखित, इसी प्रकार संप्रदान। अगर कहता एग्जांपल के तब रसोई घर, रसोई के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च कहता है, इसी प्रकार ब्राह्मण दान, ब्राह्मण के लिए दान कहता है। जब कहता है पथभ्रष्ट, धर्म विमुख कहता है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या कहेगा, पद उन्नति कहेगा, तब अपदान। संबंध में राजाज्ञा, उसी प्रकार विद्यासागर, इसी प्रकार कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर राजदूत, राजपुत्र कह सकते हैं, राजकन्या कह सकते हैं, और आप बीती निशाचर, इसी प्रकार जलमग्न, प्रेममग्न कहकर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। और इस तरह तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, लेकिन इसी में 2 उपभेद हो जाता है जो मैं पहले बता चुकी हूं। क्या 2 उपभेद होता है बेटा? एक होता है हमारे लिए नन्य समास, कि नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द जो किसी अभाव या कमी को बताता है, विग्रह करते समय कारक रचना की प्राप्ति होने से उसे नन्य समास के साथ साथ नन्य तत्पुरुष भी कहा जाता है और इसे तत्पुरुष समास में स्थान जो है वो दिया गया है। जहां कारक रचनाओं को छुपाया नहीं जा सकता उसे हम अलुक समास कहते हैं या इसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। तो तत्पुरुष समास जैसे डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, 6 प्रकार के भेद और 2 प्रकार का उपभेद माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं अब, कि जिस समास का प्रथम शब्द पद विशेषण और दूसरा शब्द पद विशेष्य वाला हो वहाँ होता है, क्या वहाँ बहुव्रीही होता है, क्या वहाँ कर्मधारय होता है, क्या तत्पुरुष होता है, कि क्या अलुक समास होता है? बहुव्रीही समास क्या होते हैं? जिस समास में दोनों पद गौण और कोई अन्य तृतीय पद की प्रधानता होती है। लेकिन जिस समासिक पद रचना में प्रथम शब्द पद विशेषण का और दूसरा शब्द पद विशेष्य का हो वहाँ कर्मधारय समास होते हैं। तो जिस समासिक पद रचना में पहला शब्द दूसरे शब्द पद की विशेषता बताता है तो वहां पर हमारे लिए गुणवाचक विशेषण वाले एग्जांपल कर्मधारय समास की श्रेणी में आते हैं। इसे एट्रिब्यूटिव कंपाउंड के नाम से पुकारा जाता है और कर्मधारय में 3 प्रकार के उदाहरण प्रयोग किए जाते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण का और दूसरा पद विशेष्य का हो, यानी कि विशेषण वह शब्द है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य वो होते हैं जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है। जैसे कि नील कमल कहता है ना, तो नीला है जो कमल या नीले रंग का कमल। इसी प्रकार महापुरुष कहता है तो महान है जो पुरुष, महाकवि कहता है तो महान है जो कवि, महाराज कहता है तो महान है जो राजा, ठीक है। इसी प्रकार नील गगन कह सकता है, उसी प्रकार हरित वर्ण कह सकता है, इसी प्रकार अगर पीत वस्त्र कह सकता है, ठीक है। इसी रूप में अगर देखा जाए तो हमारे लिए विशेषण विशेष्य। अब यह विशेषण विशेष्य की खासियत होती है कि कभी कभी इस विशेषण और विशेष्य में
पहला तो पूर्व पद विशेषण, अगर ऐसे एग्जाम्पल है तो पूर्व पद विशेषण कर्मधारय समास होगा, लेकिन कभी कभी दूसरे पद में विशेषण का समास शब्द चला जाता है, विषय से पहले आ जाता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा कह रहे हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य पहले पद में आ गया और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण दूसरे पद में आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या कहेंगे, विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, और यहाँ पर अगर विशेषण दूसरे पद में है तो विशेषण उत्तर पद कर्मधारय समास कहलाएगा। कभी कभी विशेषण दोनों पदों में हो जाते हैं, जैसे कि छोटा बड़ा। अब देखिए यहाँ पर भी हाइफन है बेटा, ठीक है, यहाँ पर भी हाइफन है, तो छोटा और बड़ा कह रहा है, यहाँ पर हम एक योजक चिन्ह भी लगा रहे हैं, फिर छोटा भी विशेषण का शब्द है और बड़ा भी विशेषण का शब्द है। इसी प्रकार कह सकते हैं गर्म ठंडा कह सकते हैं, तो ये दोनों पदों में विशेषण की प्रधानता है, तो ये हमारे लिए विशेषण उभय पद यानी कि विशेषणों भय पद के नाम से इसे पुकारा जाएगा। तो इसका एक पक्ष हुआ जहाँ विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण होते हैं। दूसरा, यहाँ पर पहला शब्द हमारे लिए उपमेय का होता है और दूसरा पद हमारे लिए उपमान का होता है। अब आप देखेंगे कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, जिसकी तुलना की जाए या जिसका कंपैरिजन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। किसी गुण विशेष की वजह से अगर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय कौन है, उपमा का वह अंग है जिसके विषय में तुलना की जाती, यानी कि जिसके विषय में या जिसकी तुलना की जा रही है, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसे उपमान कहते हैं। जिस लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो रही है उसे उपमान कहा जाता है। तो कर्मधारय समास में कभी कभी ऐसे उदाहरण भी लिए जाते हैं, जैसे कि देखा जाए तो अगर वो मुख चंद्र कह रहा है ना, तो मुख की तुलना किससे है, चांद से है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा हो जाता है हमारे लिए रूपक अलंकार वाले। अब यहाँ तुलना नहीं है, डायरेक्ट ब्लेम कर दिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ किसी गुण विशेष की वजह से एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना न करके उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाए, तो जहाँ जिसकी तुलना हो रही है तब तक तो उपमा अलंकार है, जहाँ दोनों को एक ही रूप मान लिया जाए, जैसे कि अगर हम कहते हैं कर कमल, कमल रूपी हाथ, चरण कमल, कमल रूपी चरण कहता है, तो ऐसे उदाहरण हमारे लिए कर्मधारय की श्रेणी में आते हैं। तो जिस तरह विशेषण विशेष्य में था ना, कि वैसे ही इसमें होगा, कभी उपमेय पूर्व पद में होगा, कभी उपमेय उत्तर पद में होगा, कभी दोनों पद में तुलना देखने को मिलेगी, परंतु हर परिस्थिति में पहला शब्द कभी दूसरा शब्द एक दूसरे की क्वालिटीज़ को मेंटेन करता है, यानी कि जिस समास में प्रथम कभी द्वितीय शब्द पदों की विशेषता बताने का काम करता है तो वहाँ कर्मधारय समास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस समास का प्रथम शब्द पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय होते हैं। अब मैंने आपको अलुक भी बता दिया है, तत्पुरुष भी बता दिया है और बहुव्रीहि भी बता दें। अगले क्वेश्चन की ओर, मुखचंद्र में कर्मधारय का कौन सा भेद है, क्या वह रूपक वाला है, क्या उपमेय उपमान वाला है, क्या विशेषण विशेष्य वाला है, कि ए और बी दोनों। अब देखिए रूपक और उपमेय उपमान तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य तो है ही नहीं, विशेषण और विशेष्य नहीं है, क्योंकि विशेषण वह शब्द है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, विशेष्य वो हैं जिनके विषय में विशेषता बताई जाती है। लेकिन उपमेय क्या, अभी मैंने बताया कि जिसकी तुलना की जाए, जिसका कंपैरिजन किया जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसे उपमान कहते हैं। अगर मुख के समान चांद या चांद के समान मुख कह रहे हैं तो उपमेय उपमान हो गया, लेकिन चंदा रूपी मुखड़ा कह रहे हैं तो रूपक अलंकार हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं जहां आपको लिखना है कि मुख चंद्र का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो चंदा रूपी मुखड़ा भी आप समास विग्रह करेंगे और कर्मधारय लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा, चांद के समान मुख कहेगा तो भी उसमें नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान का बेटा कि विकल्प को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित
शब्द वाला समास क्या होता है, क्या वो प्रादि समास होता है, क्या अलुक समास होता है, कि नन्य समास होता है, कि अव्ययी भाव, इन चारों समास का निर्माण होता है हमारे लिए उपसर्ग से, ठीक है ना। तो जहाँ पर हमारे लिए एक उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द, जैसे कि प्रतिदिन कह रहा है, इसी प्रकार आजीवन कह रहा है, तो प्रीफिक्स से रिलेटेड अगर एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि एक अव्यय शब्द बना रहा है तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। यही उपसर्ग अगर हमारे लिए सपरिवार कह रहा है, इसी प्रकार सप्रेम कह रहा है, तो एक उपसर्ग से निर्मित किसी अन्य शब्द की प्रधानता बता रहा है, साथ या सह का संबोधन कर रहा है। तो उपसर्ग से निर्मित एक ऐसा शब्द जो किसी अन्य की प्रधानता बता रहा है, परिवार के साथ, प्रेम के साथ कह रहा है, तब यह हमारे लिए सह बहुव्रीही समास में चला जाता है। इसी प्रकार उपसर्ग से निर्मित अगर हम प्रादि समास की बात कर रहे हैं कि कहीं पर हम कोई उपसर्ग जैसे कि नी, परी, उसी प्रकार प्रति, ठीक है, वी है, दू है, सु है, उप है, ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करेंगे और विशेष अर्थ बताता है तब वो हमारे लिए प्रादि समास बन जाता है। जैसे कि अगर हम योग में वी लगा दे तो वियोग बन गया, ज्ञान में वी लगा दे तो विज्ञान बन गया, देश में उप लगा दे तो उपदेश बन गया, मतलब किसी अन्य अर्थ को प्रदर्शित करने लग जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द है, जैसे कि आपका असरकारी कह रहा है, ठीक है, तो जहाँ पर हमारे लिए अधर्म कह रहा है, इसी प्रकार अगर वो हमारे लिए असत्य कह रहा है, इसी प्रकार अगर वो लाचार कह रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स से रिलेटेड अगर एक नेगेटिव प्रीफिक्स हो, कि नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द वाला समास हमारे लिए नन्य समास होता है, जहाँ किसी अभाव या कमी को बताई जाती है, सरकार की कमी मतलब सरकारी प्रभाव की कमी, धर्म का अभाव, सत्य की कमी और व्यवहार की कमी कहता है, तो नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द होता है जो हमारे लिए आपके किसकी श्रेणी में आते हैं, आपके लिए वो नन्य समास की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर एक उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द बनाएगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। उपसर्ग से निर्मित अगर किसी तृतीय पद की प्रधानता बताने वाले शब्द होंगे तब हमारे लिए सहबहुव्रीही और प्रादि समास हो जाएगा, और प्रादि समास को बहुव्रीही में उपभेद में स्थान जो है वो दिया है, जहां आपकी कारक रचना को छुपाया ना जा सके तो आपके तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखा है। अगले क्वेश्चन क्या बेटा, जिस समास में कारक विभक्ति का लोप नहीं हो सकता वहां होता है, क्या नन्य तत्पुरुष होता है, कि अलुक तत्पुरुष होता है, कि कर्म तत्पुरुष होता है, कि अधिकरण तत्पुरुष होता है। आप सभी को पता है कि जिस समासिक पद रचना में कारक विभक्तियों को लोप ना किया जा सके, जिसे छिपाया ना जा सके, युधिष्ठिर कहता है, खेशय कहता है, नभचर कहता है, निशाचर कहता है, विश्वंभर कहता है, तो यहाँ पर हमारे लिए आपके अलुक समास होते हैं। और कारक विभक्ति जो आपके अधिकरण है कि युद्ध में स्थिर, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो खेमे शयन करना, विश्व को भरना, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम जितने एग्जाम्पल देखेंगे तो कारक रचना छुप नहीं सकते, निशा में चरण करने वाला, नभ में चरण करने वाला, तो वो हमारे लिए आपके अलुक समास की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर दोनों पद गौण और अन्य पद प्रधान होता है, जिस समास में दोनों पद गौण यानी कि सेकेंडरी हो जाते हैं, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, क्या अव्ययी भाव यानी कि आपके एडवर्बियल कंपाउंड होते हैं, क्या कर्मधारय यानी कि एट्रिब्यूटिव कंपाउंड होता है, क्या द्वंद्व यानी कि क्या कपलेटिव कंपाउंड होता है, कि एक्सोसेंट्रिक आपके कंपाउंड बहुव्रीही होते हैं। तो मैंने बताया जहाँ दोनों पद गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ बहुव्रीही समास होते हैं। जो किसी को दिया गया उपाधि है, जैसे कि कवि कुलगुरु कहते हैं तो सिर्फ कालिदास को कहा गया है, स्वर कोकिला सिर्फ लता मंगेशकर को कहते हैं, इसी प्रकार सहस्त्रबाहु एक राजा थे, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो दशानन, लंबोदर, कमल नयन हम सिर्फ विष्णु या रामचंद्र जी को कहते हैं। तो किसी को दिया गया उपाधि, कोई प्राकृतिक तत्व जैसे कि पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, उसी प्रकार आपके किसी परंपरा से रूढ़ जैसे कि तिरंगा, तिरंगा में यूं तो चार रंग है लेकिन तिरंगा कहते पहला ध्यान हमारा राष्ट्रीय ध्वज की ओर जाता है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है,
कर्ता कारक तथा विशेषण वाला शब्द पद प्रथम होकर निर्देशित करता है। तो पहली बात तो कि विशेषण है या हमारे लिए कर्ता कारक है, विशेषण है या कर्ता कारक है, तो ऐसे शब्द हमारे लिए कर्मधारय की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि महाकवि कहता है, उसी प्रकार अगर महाराज कहता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए आपके कर्ता कारक विशेषण वाला शब्द जो कर्ता की विशेषता बता रहा है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, कर्ता कारक विशेषण वाला शब्द कि महान है जो राजा, महान है जो कवि, तो कवि की विशेषता है कि महान है, राजा की विशेषता है कि वो महान है, तो ऐसे उदाहरण हमारे लिए कर्मधारय की श्रेणी में आते हैं। अगला है, बहुव्रीहि का भेद निम्न में से नहीं है, समाहार, सह, समानाधिकरण और व्यतिहार। दो मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यतिहार कि एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो जहां पर एक योजक चिन्ह हो और योजक चिन्ह के विग्रह करते समय हम ये पाते हैं कि यहाँ न तो हम वैकल्पिक तौर पर आपके या अथवा का प्रयोग कर रहे हैं, न और एवं तथा का प्रयोग कर रहे हैं, और न ही यहाँ पर हमारे द्वारा निपात शब्द ही का प्रयोग किया जा रहा है। एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होकर अगर यह किसी क्रिया की तरह कार्य करता हुआ संबोधित करके किसी अन्य पद की पहचान बताता है तो व्यवहार में लेन देन की प्रक्रिया है, इसलिए अव्यय शब्द वाला यह उदाहरण व्यतिहार बहुव्रीहि समास बन जाता है। दूसरी बात आपका आता है हमारे लिए सह बहुव्रीहि। अभी मैंने आपको बताया कि एक उपसर्ग है जैसे कि सपरिवार, तो उपसर्ग से निर्मित एक शब्द जो किसी अन्य पद की प्रधानता बताता है तो परिवार के साथ, इसी साथ को संस्कृत में हम सह कहते हैं, तो परिवार के साथ कह रहे तो पूरे परिवार के सदस्य हो गए। आनंद के साथ कहता तो हर्ष उल्लास के साथ में हो गया, तो सजग हो गया, सचेत हो गया, सफल हो गया, सपरिवार हो गया, सगुण हो गया, इसे प्रकार देखा जाए तो सहोदर हो गया, तो सब हमारे लिए सह बहुव्रीहि की श्रेणी में आते हैं। अब आता है हमारे लिए समाहार, तो समाहार हमारे लिए द्वंद्व है, जहाँ दोनों पदों में समान अधिकार होकर अगर वो दोनों पद किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कि घर द्वार, सेठ साहूकार, तो संपूर्ण व्यापारी वर्ग, संपूर्ण भोजन, संपूर्ण थाली कह के समाहार हमारे लिए द्वंद्व है। लेकिन अगर हम समानाधिकरण क्या कहेगा, जब हम कारक विभक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग कहता है कि जिस समास से पद रचना को विग्रह किया जा रहा है और विग्रह करते समय हमें कारक रचनाओं की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा समास हमारे लिए क्या बन जाता है, तत्पुरुष समास बन जाता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर एक ऐसे समासिक पद रचना जिसका विग्रह किया जाए जैसे कि सिर कटा कहता है, इसी प्रकार अगर वो दिगंबर कहता है तो हम विग्रह क्या करते हैं, सिर है कटा जिसका, दिग है अंबर जिसका, तो वहां पर संबंध बोधक कारक रचना आई। और सिरकटा कहकर संबोधित किसको कह रहा है, तो एक कारक रचना होकर किसी तिथि पद की प्रधानता बता रहा है, मतलब वो राहु को संबोधित कर रहा है। दिगंबर कह रहा है तो जैन धर्म को संबोधित कर रहा है, श्वेतांबर कह रहा है तो सरस्वती या जैन धर्म को संबोधित कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो जिस समासिक पद रचना का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में एक कारक विभक्ति आए, जिस कारक विभक्ति पर दोनों पदों का समान अधिकार हो, तो तत्पुरुष समास वाला वह एग्जाम्पल जिसमें कारक रचना की प्राप्ति तो हो रही है परंतु किसी अन्य पद की पहचान बता रहा है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। और इधर देखिए एक ऐसा ही होता है हमारे लिए आपका व्यधिकरण, जिस समासिक पद रचना में दोनों पदों में अलग अलग कारक रचना देखने को मिलती है। जैसे कि देखा जाए वीणा पाणी, तो अगर हम समास विग्रह करें तो पाणी में है वीणा जिसके, यानी कि इसमें दो प्रकार की कारक रचना देखने को मिल रही है। तो जिस समास में एक कारक रचना है जिस पर दोनों का अधिकार है और किसी तृतीय पद की प्रधानता है तो समानाधिकरण बहुव्रीहि। जहां दोनों पदों के बीच में अगर हम देखें तो दोनों पदों में अलग अलग कारक विभक्ति आती है और किसी तृतीय पद की पहचान बताता है कि वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात माता सरस्वती, तो वाला वाली है जिसका, ऐसे उदाहरण बहुव्रीहि के एग्जाम्पल में आते हैं। ध्यान रखिएगा वाला वाली
है ना, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जिसका, जिसके, जिसकी, तो ये हमारे लिए किसी को संबोधित करने वाला अर्थात कहकर हमारे लिए बहुव्रीहि हो जाता है। लेकिन है जो के समान के रूप कहता है तो कर्मधारय की पहचान बना देता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपके समानाधिकरण, व्यधिकरण, स और व्यतिहार बहुव्रीहि हो गया, एक प्रादि बहुव्रीहि हो गया। मतलब कि आपके समानाधिकरण, आपके व्यधिकरण, सह बहुव्रीहि, प्रादि बहु, आपके जो एग्जाम्पल हो गए, व्यतिहार बहुव्रीहि, इसी रूप में एक और बहुव्रीहि समास होता है जिसे हम कहते हैं संख्या बहुव्रीहि। ठीक है, अब यह संख्या बहुव्रीहि क्या होता है? जिस समास का पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान होकर किसी अन्य की पहचान बता दे, जब तक वो समूह में है तब तक वो हमारे लिए द्विगु है, जब तक वो समूह में है तब तक द्विगु है, संख्या होकर विशेषता बता रहा तो कर्मधारय है। लेकिन अगर कहता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि दशानन कहता है, षडानन कहता है, चतुरानन कहता है, त्रिनेत्रधारी कहता है, तो सब संख्या बहुव्रीहि की श्रेणी में आ जाते हैं। तीन नेत्र को धारण करते हैं जो, इसी प्रकार तीन फलों का चूर्ण है जो, इसी प्रकार दश हैं आनन जिसके, इसी प्रकार कह सकते एग्जाम्पल के तौर पर चार हैं आपकी भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, चार हैं आनन जिसके अर्थात ब्रह्मा, तब ये हमारे लिए आपके संख्या बहुव्रीहि में बदल जाते हैं। एक और बहुव्रीहि समास है जिसे हम मध्यम पद लोपी कहते हैं। अगर वो गजानन कह रहा है, अगर वो कमल नयनी कह रहा है, चंद्रमुखी कह रहा है, लंबोदर कह रहा है, तो लंबा है उदर जिसका, तो लंब उदर, यानी कि अगर वो लंबोदर कह रहा है तो यहां पर पहला शब्द है विशेषण का जो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार लंब कर्ण कहता है, ठीक है, तो हमारे लिए अगर वो एक दंत कहा तो गणपति है, वैसे लंबा उदर कहकर रूढ़ किसके लिए है? गणेश जी के लिए। लंब कर्ण कहकर उदर किसके लिए संबोधन है? आपके गणपति के लिए। तो जहां पर गज के समान आनंद कह रहा है, चंदा रूपी मुखड़ा है जिसका अर्थात नायिका कह रहा है ना, कोयल के समान स्वर है जिसके कह रहा है, तो जहां मध्य पद को लुप्त किया जाए, है जो के समान, ऐसे विभक्ति को लुप्त किया जाता है, जहां मध्य पद लुप्त होता है वहां मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि समास होते हैं। यानी कुल कहने का मतलब कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, कोई अन्य तृतीय पद की प्रधानता होती है। तो समानाधिकरण, व्यधिकरण, सह बहुव्रीहि, संख्या बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि और मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि समास होते हैं। और इन्हीं का एक उपभेद माना जाता है प्रादि समास को, और एक और होते हैं नन्य समास। अगर कारक रचना की खूबी है तो नन्य तत्पुरुष, लेकिन नकारात्मक उपसर्ग का होकर अगर वो किसी अन्य की प्रधानता बताने लगे, जैसे कि निर्वंशी, निर्लज्ज कहता है, निसंतान कहता है, तो नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित अगर एक केवल नकारात्मक शब्द बना रहा है तब तो नन्य समास है। कारक रचना मिलकर तत्पुरुष में स्थान देकर नन्य तत्पुरुष हो गया। लेकिन वैसे ही नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द बनाकर किसी तीसरे की पहचान बता दे, बिना वंश का है जो, तो निर्वंशी, जिसका संतान ना हो तो निसंतान, इसी प्रकार जिसे लज्जा नहीं आती तो निर्लज्ज कह सकते हैं। तो ऐसे समास नन्य बहुव्रीहि होकर उपभेद में चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि का भेद नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपके द्वंद्व का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। संख्यावाची समूह शब्द द्विगु होते हैं तथा अन्य पद को पहचान कराने वाला बहुव्रीहि, विशेषण विशेष्य उपमा रूपक होकर अगर गुण विशेष वाले शब्द हैं तो कर्मधारय हैं, तथा किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व की पहचान बताते हैं, तो क्या ये बहुव्रीहि हो जाते हैं? कारक विभक्ति वाले तत्व केवल तत्पुरुष समास में पाए जाते हैं। और चौथा कहता है अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक के द्वारा अव्ययी भाव है, लेकिन अगर किसी तृतीय पद की पहचान बताता है तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। इन चार में से कौन सा गलत है? तो जितना देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी और डी सही है, लेकिन हर कारक विभक्ति वाला शब्द हमारे लिए आपके तत्पुरुष समास में नहीं आता। अभी मैंने बताया कि एक कारक विभक्ति जिस पर दोनों पदों का समान अधिकार है पर अन्य पद की प्रधानता है तो समानाधिकरण बहुव्रीहि, दोनों पदों में अलग अलग कारक विभक्ति है तो हमारे लिए वो आ जाता है कौन से श्रेणी में? वो आ जाता है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जिस शब्द में प्रथम पद हेतु यदि हम प्र, प्रति, उप, अति, वी, सु और दु का प्रयोग करते हैं वहां कौन सा समास होता है? प्रादि होता है कि अव्ययी भाव की बहुव्रीहि या अलुप समास, तो ऐसे समास को प्रादि समास कहते हैं जहां उप
उपसर्ग का प्रयोग करके एक विशेष अर्थ वाले शब्द का निर्माण होता है जो किसी अन्य पद की पहचान बनाने लगता है, तो उपसर्ग से निर्मित एक ऐसा शब्द जो विशेष गुण संपन्न होकर किसी की पहचान बता दे, तो उपसर्ग को हम संस्कृत प्रादि कहते हैं, इसलिए इस समास को प्रादि समास कहा जाता है। जैसे कि प्र है तो हम अगर उसे प्रचार प्रसार कहने लगते हैं, प्रख्यात कहने लगते हैं, प्रति है तो प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रत्येक कहते हैं, प्रत्युत्तर कहते हैं, उप है तो उपदेश कहा जाता है, इसी प्रकार अति है तो अत्यधिक या अत्याचार बन जाता है, वि से विज्ञान और विशेष, इसी प्रकार सु से सुविचार बन जाता है, सुफल हो जाता है, और दूसरे दुर्गुण शब्द का निर्माण होकर विशेष अर्थ को बताने लगता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए कि सीजी व्यापम में आपके 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है, क्या बहुव्रीहि में, अव्ययी भाव में, द्विगु में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जहाँ दोनों पद गौण और कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ हमारे लिए बहुव्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, राधा कृष्ण का समासिक विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण, राधा या कृष्ण, राधा जैसे कृष्ण, राधा के कृष्ण, तो इसका समासिक विग्रह होगा हमारे लिए राधा और कृष्ण, और ये 2008 में सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए एग्जांपल क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ध्यान से समझेंगे कि द्वंद्व समास में जहां हम और एवं तथा को लगाते हैं, जिस पर दोनों पदों में समान अधिकार होता है, तो द्वंद्व में इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जब हम इस और को लगाते हैं और अगर किसी समूह को या किसी समाहार को बताता है तब इसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर हम या, चाहे, अथवा जैसे शब्द को लगाते हैं योजक के जैसे, तो वहाँ पर वैकल्पिक यानी कि विकल्प वाले प्रभाव के द्वंद्व समास होते हैं। तो दिया बत्ती कह रहा है तो दिया और बाती हो गया, तन मन धन कह रहा है तन मन और धन हो गया, पाप पुण्य कह रहा है तो पाप या पुण्य, और घास फूस कहता है तो घास और फूस होता है, ठीक है, तो पाप पुण्य। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए विपरीत लिंग वाले शब्द होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए विपरीत शब्द वाले उदाहरण होते हैं, या हमेशा युग्म में आने वाले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। युग्म में आने वाले शब्दों में हमारे लिए दो सार्थक शब्द भी हो सकते हैं और एक सार्थक एक निरर्थक भी हो सकता है, या व्यवहार में प्रयोग होने वाले द्वंद्वी बोलचाल के शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास है तो हर जगह हाइफन लगाया जाए, कभी कभी हम एक शब्द को जोड़ कर भी उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सत्सई में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। सत्सई कह रहा है 700 पदों की वाली कविता, यानी कि 700 पदों का समाहार कह रहा है, तो वहां हमारे लिए द्विगु समास होगा। अगला, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही कर्म तत्पुरुष का विकल्प हो, नेत्र से हीन, राह के लिए खर्च, ग्राम को गत, या जग में बीती। तो कर्म की कारक विभक्ति क्या होती है, को। तो जिस समास का पहला शब्द कर्म कारक हो और दूसरा पद के प्रधानता वो बताने का प्रयास करें, कि जिस समासिक पद रचना का प्रथम शब्द पद कर्म कारक हो और द्वितीय शब्द पद संज्ञा या विशेषण का हो, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होंगे। मतलब कि देखा जाए तो ग्राम को गत कह रहा है तो ऑप्शन आएगा आपका सी। अगर जिस समास का पहला शब्द पद करण प्रधान हो, मतलब कि आपके करण कारक वाला हो, और दूसरे पद जो है वो संज्ञा या विशेषण हो, तो वहां हमारे लिए आपके करण तत्पुरुष समास होता है। नेत्र से हीन, किस से हीन, नेत्र से हीन। इसी प्रकार राह के लिए खर्च, तो जिस समास का पहला शब्द पद, जिस समास का पहला शब्द पद संप्रदान कारक हो, वहां संप्रदान कारक विभक्त तत्पुरुष होता है। किसके लिए खर्च, राह के लिए खर्च। तो जिस समास में
पहला शब्द पद आपका क्या हो? अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब कि लोकेशन जो बताएगा, तो समय स्थान बताता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो किस पर बीती? जग पर बीती। तो ये हमारे लिए आपका हो जाता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। इसलिए ग्राम को गत कहता है, गगन को चुमना, इसी प्रकार अगर कहता है जेब को कतरना, इसी प्रकार चिड़ी मार कहता तो चिड़िया को मारना, और इस तरह आपके लिए समास से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जितने भी मैंने आपको पूछा है, जितना भी मैंने आपको समझाया है, समास की प्रक्रिया से हमने पूरी चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो अब तक को हम रिपीट करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो ध्यान से समझेंगे बेटा कि सबसे पहले किसी भी मौखिक भाषा में सुनाई देता है उसे कही जाती है ध्वनि। ध्वनि को आड़ा तिरछा खड़ा और वक्र आकार दे दिया जाए तो बनता है वर्ण। वर्ण का समूह है वर्णमाला, जिसके तीन हिस्से हैं, स्वर है, एक है हमारे लिए अयोग वाह है, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए व्यंजन। उच्चारण की शुद्धता और लेखन की शुद्धता से जब वर्ण अक्षर संयुक्त तो हो जाते हैं तो इन्हीं के संयोजन से निर्माण होता है शब्द का। तो जहाँ वर्ण अक्षरों को पढ़ा जाता है उसे अल्फाबेटिकल्स या फोनोलॉजी या फोनेटिक्स कहा जाता है, जहाँ मानक वर्तनी को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ हम शब्द जो वर्ण अक्षर से मिलाकर बनाए हैं उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने रचना के आधार पर तीन प्रकार के, इतिहास के आधार पर चार प्रकार का मुख्य, एक प्रकार का गौण, और अर्थ के आधार पर दो प्रकार के सार्थक और निरर्थक, और इसी प्रकार चौथा हमने जाना प्रयोग और रूपांतर के आधार पर शब्द को। इसी शब्द में जब तक वो डिक्शनरी में है तब तक शब्द है, लेकिन डिक्शनरी से बाहर आकर वो हमारे लिए शब्द पद बन जाता है, जिसे हम मर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जहाँ दो प्रकार के शब्द पद हैं, एक है हमारा विकारी शब्द पद और एक है हमारा अविकारी शब्द पद। इसे आप इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो जहाँ हमने रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर, अर्थ के अंतर्गत सार्थक, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चर शब्द, भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द को पढ़ा, वाक्यांशों का एक शब्द पढ़ा, तो प्रयोग के आधार पर अगर हम विकार उत्पन्न कर रहे हैं जो वचन लिंग काल कारक के अनुसार बदल गए, तो चार प्रकार का विकार मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे परिवर्तन नहीं है तो आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते। विकार उत्पन्न कराने के कारक क्या है? वचन लिंग काल और कारक रचनाएं। जब इन्हीं सभी का एक संयोजन होता है तब हमारे लिए शब्द से पद, शब्द पद से एक वाक्यांश का निर्माण होता है और हम उसे उपवाक्य भी कहते हैं। और जहाँ संपूर्णता हो जाती है तो वाक्य का हम प्रयोग देखते हैं और इसे वाक्य विचार या सेंटेक्स के नाम से पुकारते हैं। तो व्याकरण के जो चार अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, शब्द पद और वाक्य, और इस तरह व्याकरण की संपूर्ण इकाई हम भाषा को कहते हैं, भाषा की संपूर्ण इकाई हम वाक्य को कहते हैं, और भाषा की लेखन में छोटी इकाई वर्ण को और मौखिक उच्चारण में ध्वनि को कहा जाता है। जब हम शब्द की रचना करते हैं तो हमारे द्वारा कुछ अक्षर पहले रखे जाते हैं, कुछ अक्षर बाद में रखे जाते हैं, तब वहाँ हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरी बात, वर्ण अक्षरों का संयोजन हमारे लिए हो जाती है संधि, और शब्द पदों के संयोग से समास का निर्माण जो है वो होता है। इसके साथ साथ आप लोक भाषाओं में से मुहावरा और लोकोक्ति को भी पढ़ते हैं और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा आपको हिंदी भाषा में हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि हिंदी के जो आज लास्ट टॉपिक है उसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण MCQ के माध्यम से मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। तो आज हिंदी का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब तक आप हमेशा मेरे लेक्चर वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जो मेहनत आपके लिए करना चाह रही हूं वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तो उम्मीद करती हूं कि ऐसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ में आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगी। यानी कि अगर हिंदी के लेक्चर वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं या देख चुके हैं या देखेंगे, उस लेक्चर वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो परेशान नहीं होना है। जो लिंक दिया जा
हमारा बेटा, उस लिंक में अगर आप जाएंगे तो लिंक ओपन करते ही उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल लेक्चर वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हमारी हिंदी भाषा कंप्लीट होती है और नेक्स्ट टाइम पर यानी कि इसी समय पर फिर से मैं आपके साथ उपस्थित होंगी एक दूसरी भाषा को लेकर, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा कहते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ी भाषा है? इस छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? इसकी प्राचीन बोली क्या थी? कितने भाषा परिवार हैं? कितने प्रकार के बोलियों और उपबोलियों में इसे वर्गीकृत किया गया है? इसकी लिपि क्या है? क्या छत्तीसगढ़ी का व्याकरण है? जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं मिसेस अनु रॉय नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आपके साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का लेके फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।